हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, आपको योजनाओं से क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य ही मिलता है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इन महत्वपूर्ण योजनाओं को आपके समक्ष लेके आए हैं और इनके बारे में जानेंगे एक एक करके कि आखिर ये योजना कौन सी योजना है, कब चलाई गई, क्या इसकी प्रारंभ तिथि है, ठीक है, कहाँ से चलाई गई या फिर फ्रेंड्स इसका क्या उद्देश्य है। इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। देखिएगा, इसमें बात करते हैं। सबसे पहली जो आपकी योजना है ये है पीएम श्री स्कूल, जिसको फ्रेंड्स सितंबर 2022, ठीक है, सितंबर 2022 में चलाया गया। और फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 14,500 से अधिक स्कूलों का समावेशी उत्थान। यानी कि फ्रेंड्स लगभग क्या है, इसमें 14,500 से अधिक स्कूलों का समावेशी उत्थान करना है। इसका मतलब ये है कि उनको अच्छी सुविधाएं देनी है, ठीक है, उनका जो है उद्धार करना है, उनमें जो भी कमियां हैं उनको पूरी करना है और जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करना है। इसके बाद देखेंगे इसमें नेक्स्ट योजना है स्माइल 75 पहल। तो फ्रेंड्स इसको शुरुआत की गई थी अगस्त 2022 में, ठीक है, अगस्त 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई। आखिर इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड, देखिएगा इसको जो है चलाया किसने है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया है। पहला तो इसमें यही पॉइंट बनता है कि इसको जो है किस मंत्रालय ने चलाया है, तो फ्रेंड्स ये है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब बात करेंगे इसमें कि आखिर ये चलाई क्यों गई है। तो फ्रेंड देखिएगा, यह पहल, यहाँ से देखिएगा, यह पहल चिन्हित 75 यानी कि 75 नगर निगमों में भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स जो भीख मांगते हैं, ठीक है, भिक्षावृत्ति में हैं, तो फ्रेंड्स उनका क्या करना है, उनका पुनर्वास करना है, ठीक है। तो उनको क्या है, उनको यहाँ उनकी जो आवश्यकताएँ हैं उनको पूरी करना है। अब इसमें आगे देखेंगे, ये है आपका पंचअमृत, ठीक है, पंचअमृत योजना जो है आपकी अगस्त 2022 में चलाई गई है इसको। और फ्रेंड देखिएगा किसने चलाया है इसको, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। किस लिए प्रारंभ किया गया है, देखिएगा इस योजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना, ठीक है। तो ये जो आपकी है पंचअमृत योजना अगस्त 2022 में चलाई गई है, उद्देश्य है इसका किसानों की आय को दोगुनी करना। चलाया किसने है इसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब इसमें आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना, उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना जिसको अगस्त 2022 में चलाया गया है। और फ्रेंड्स इसको किसने चलाया है, इसको भी यूपी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है महिलाओं को ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर बिजली बिल, ठीक है, बिजली बिल संग्रह करने का रोजगार दिया जाएगा। तो फ्रेंड बिजली का बिल है उसको जो संग्रह करने का जो रोजगार दिया जाएगा ये महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बिजली सखी योजना अगस्त 2022 चलाई गई है। फ्रेंड्स अब इसमें आगे बात करेंगे, आगे देखिएगा अग्निपथ योजना जिसको फ्रेंड जून 2022, अगर डेट की बात करें तो 14 जून, ठीक है, 14 जून 2022 को इस योजना को चलाया गया। तो इसने इसको चलाया किसने है, तो इसको चलाया है रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको चलाया गया है। अब इसमें बात करते हैं कि आखिर इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड देखिएगा इसके अंतर्गत क्या होगा, तीनों सेनाओं थल नव जल, नव मतलब होता है इसमें वायुसेना, तो फ्रेंड्स आपके जो है थल वायुसेना और जल सेना, जो इन तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती होगी ना वो होगी 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल या 4 वर्ष की इसमें भर्ती की जाएगी। अब इसमें आगे बात करते हैं घर घर राशन वितरण योजना, इसको मार्च 2022 से चलाया गया है। चलाया किसने है, तो फ्रेंड देखिएगा पंजाब सरकार ने। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है घर पर राशन पहुंचाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स घर घर राशन वितरण योजना का जो उद्देश्य है वो है घर पर राशन पहुंचाना। और कब चलाया गया है इसको, मार्च 2022 में, किसने चलाया है, तो पंजाब सरकार द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, फ्रेंड्स इसको चलाया गया है फरवरी 2022 में, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है और किसने चलाया है ये बात करेंगे। देखिएगा इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा,
आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब इसमें साक्षरता की बात आ रही है तो इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही चलाया गया होगा। और फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किया गया है इस कार्यक्रम को। अब आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा निरामय परियोजना जिसको जनवरी 2022 में चलाया गया है, ठीक है, जनवरी 2022 में। अब इसको चलाया किसके द्वारा गया है, तो फ्रेंड देखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM द्वारा इसको असम राज्य में प्रारंभ किया गया है। अब इसमें आगे बात करते हैं अवसर योजना, अवसर योजना को अप्रैल 2022 में चलाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा चलाया गया है ये और जानेंगे। भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण द्वारा इसको चलाया गया है। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं कारीगरों एवं शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा स्वयं सहायता समूह को स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध कराना है इस उद्देश्य का, इस योजना का उद्देश्य, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं माना उरहू माना बाड़ी कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया है आपका 22 मार्च 2022 को माना उरहू माना बाड़ी कार्यक्रम। किसने चलाया है, तो फ्रेंड इसको तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, स्कूलों का सर्वांगीण विकास एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित है आपकी माना उरहू माना बाड़ी कार्यक्रम, तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया मार्च 2022 में। अब इसमें आगे बात करते हैं, आगे है इसमें देखिएगा कुनसुन योसम, ठीक है, कुनसुन योसम जो योजना है इसको फरवरी 2022 में चलाया गया। योजना के तहत लेह लद्दाख के विकलांग व्यक्तियों के लिए 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका लेह लद्दाख के लिए है, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब इसमें आगे बात करते हैं ग्राम वन कार्यक्रम, ग्राम वन कार्यक्रम को जनवरी 2022 में चलाया गया। इसको चलाया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक लाना है। अब इसमें आगे बात करते हैं मीनदम मंचपई योजना, ठीक है, मीनदम मंचपई योजना दिसंबर 2021 में चली है और इसको जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के नुकसान को बचाना है, ठीक है। तो अब इसमें आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा श्रेष्ठ योजना, इसको 6 दिसंबर 2021 डॉक्टर B.R. अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चलाया गया। चलाया किसने है, देखिएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखिएगा इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनके समग्र विकास में सहायता प्रदान करना। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना द्वारे राशन योजना, एक आई थी घर घर राशन योजना, ठीक है, और ये है आपके द्वारे राशन योजना। तो फ्रेंड इसको नवंबर 2021 में चलाया गया। किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा इसको चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राशन कार्ड धारकों के आवास पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, इसको जो है घर जाकर इसमें जो राशन है उसको पहुंचाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ठीक है, तो ये है इसको नवंबर 2021 में चलाया गया। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू इस योजना के तहत, ठीक है, तो इसको चलाया किसने है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और जो इसका देखेंगे किसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 18 से 40 आयु वर्ग के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स अब इसमें आगे देखते हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना, इसको नवंबर 2021 में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, किसने चलाया है, देखिएगा इसको दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को UPSC, ठीक है, UPSC, CDS, बैंकिंग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना, ये किसका उद्देश्य है, ये है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना।
नवंबर 2021 में चलाई गई, किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। अब इसमें आगे बात करते हैं, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, इसको भी नवंबर 2021 में चलाया गया। इसको जो चलाया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चलाया गया। चिनाब नदी की सहायक नदी है, मरु सुदर नदी पर जो है इसको चलाया गया, यानी कि इस योजना का निर्माण किया गया है चिनाब नदी की सहायक नदी मरुसुदर नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में। अब आगे बात करते हैं, मेरा घर मेरा नाम, ठीक है, मेरा घर मेरा नाम योजना अक्टूबर 2021 में चलाई गई। कहाँ पर? तो इसको पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है। अब इसमें देखेंगे उद्देश्य क्या है, गांवों और शहर के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाना, इस योजना का उद्देश्य है। अब आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो फ्रेंड्स, ये राशन से संबंधित तीसरी योजना आई है, तो उसमें देखेंगे ये चलाई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया इस योजना को। इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत क्या होगा, प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों के सरकारी राशन की दुकानों के पात्र, ठीक है, परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन वितरण की जाएगी। तो फ्रेंड देखिएगा, इस तरह से तीन योजनाएं आ चुकी हैं आपकी राशन से संबंधित, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। फ्रेंड देखिएगा, इसमें मुख्यमंत्री जुड़ गया है, यानी कि ये मैसेज स्टार्ट है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में ऐसे आप इस तरह से रिलेट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें द्वार राशन जो है, द्वार राशन ये आपकी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से है। अब देखेंगे इसमें एक और योजना है, देखिएगा घर घर राशन वितरण योजना, तो फ्रेंड्स ये आपकी पंजाब सरकार की है, तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है, आप इनमें अंतर कर लीजिएगा कि आपको किस तरह से याद रखनी है। बाकी जितने भी आपको सारी योजनाएं कराई गई हैं, सभी एग्ज़ाम के, किसी भी एग्ज़ाम हो, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो फ्रेंड्स आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, किसने चलाई है, किस मंत्रालय ने, किस राज्य ने, क्या उद्देश्य है और कब चलाई गई है, ठीक है, ये सब भी आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सभी वीडियो क्लासेस नोट्स और आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से।